महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ने के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक बार फिर एमवीए पर बड़ा हमला बोला। वीबीए चीफ ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज भीम जयंती पर मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, एमवीए ने अभी तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अगर एमवीए को बीजेपी की तरह मुसलमानों को बाहर करना है तो दोनों में क्या अंतर है? मुसलमानों के बहिष्कार पर मुख्य धारा का मीडिया चुप क्यों है? महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ने के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक बार फिर एमवीए पर बड़ा हमला बोला। वीबीए चीफ ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज भीम जयंती पर मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ, एमवीए ने अभी तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अगर एमवीए को बीजेपी की तरह मुसलमानों को बाहर करना है तो दोनों में क्या अंतर है? मुसलमानों के बहिष्कार पर मुख्य धारा का मीडिया चुप क्यों है? महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं।